हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इबाद अली खत्री और रिसेंटली मैंने अभी इमरान खान साहब का एक बयान सुना जो कि सेम लाहौर इंसिडेंट से रिलेटेड ही है, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि यार अगर कोई भी शख्स ऐसी नालेबा हरकत करता है जो लाहौर इंसिडेंट पे हुई, अभी मुझे बार बार रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तो जो भी वहां पे हुआ है उस शख्स को मेडिकली डिसेबल कर दो सजा के तौर पर। जब मैंने ये बयान और ये न्यूज सुनी तो यकीन करें मैं इसके बिल्कुल अपोजिट खड़ा था। मैंने बोला यार ये सजा नहीं दो, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप खुदा ना खासा आप किसी को सजा देते हैं, सही है कि आप उसको मेडिकली डिसेबल कर देते हैं, तो उस बंदे के अंदर जान तो मौजूद है और फिर ऐसे शख्स में बदले की आग भी आ जाती है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो चलो अब मैं दुनिया को दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं तो किसी काबिल रहा नहीं हूँ, अब मैं दुनिया के साथ देखो क्या कर सकता हूँ। और वो शख्स जिसको आपने एक केस में आपने उसको मेडिकली डिसेबल किया है, वो शख्स फिर अपने सारे बदले आवाम से लेना शुरू करेगा। तो वो किसी के ऊपर तेजाब फेंक सकता है, किसी की जान ले सकता है, किसी को कत्ल कर सकता है और हजारों उसके पास ऑप्शन होंगे, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना। वो चोर बन सकता है, डाकू बन सकता है, वो नई नई हरकतें करेगा। बेहतर है कि ऐसे शख्स को फांसी पर लटका दो, या तो उलमाए कराम से आप राय लें कि भाई हमारा जो दीन है वो इस मामले में क्या कहता है, कोई शख्स ऐसा करे तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में जो हमारे दीन की सजा होगी वो सबसे बेहतरीन सजा है, ठीक है, ताकि वो सबक आमोज सजा भी होगी, उससे आवाम जो है वो आगे की आवाम जो है वो इन हरकतों से भी रुकेंगे और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो बेहतरीन अमल जो है वो यही है कि उलमाए कराम से आप बात करें, उसकी सजा पूछें और उस सजा को तय कर दें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दें या हमारे लॉ में डाल दें, ताकि भाई ये सजा मौजूद हो हमारे पास, सही है ना, कि आप उसको मेडिकली डिसेबल कर दो और बंदे को खुले सांड की तरह छोड़ दो, वो फिर जो है वो अपने बदले लेता रहे, हर बंदे को चलते फिरते टक्कर मारता रहे। तो बेहतर है कि उसके लिए हमारे इस्लाम ने जो भी सजा मुतय्यन की है वो आप सजा उसको सुनाए, ताकि वो शख्स को तो सजा मिले ही मिले और बाकी जो अवाम है उसको भी सबक हासिल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो हमारे हुक्मरानों तक पहुंचे और वो कोई सेंसिबल डिसीजन ले सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।